मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रति आह्वान में आज सीहोर जिले के अलग अलग तहसीलों से सभी पटवारी अपनी तहसील में एकत्रित हुए और सभी पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी और अपने अपने बैग जमा कर दिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सभी किसान भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई ऐसे काम होते जो पटवारी के बिना नहीं हो पाते। सभी पटवारी की मांग है कि हमारे वेतन वृद्धि बढ़ाई जाए। जब तक हमारे वेतन वृद्धि नहीं बढ़ेगी तब तक अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। हमारी भर्ती प्रक्रिया पे एक कॉलेज में संदेह के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दी थी और जिसके लिए डेडलाइन 31 अगस्त थी जांच होने की, लेकिन आज 1 सितंबर हो गया है लेकिन अभी मामा जी का कोई नया स्टेटमेंट नहीं आया है और अभी कुल मिला के 15-20 जिलों को ही बुलाया गया है, तो इस हिसाब से जाँच पूरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारा माननीय मामा जी से कहना है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को समांतर रूप से चला दिया जाए। इसके लिए हम एक शपथ पत्र देना चाहते हैं जैसा कि UPSI केस में हुआ था, और यदि जांच के किसी भी स्तर पर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 3 सितंबर को शाहजहानी पार्क में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। 9000 के आसपास नोटिफिकेशन में आया था जिसमें से 8600 लोगों का रिजल्ट में नाम आया था, और इसके अलावा सर 1,60,000 लोग इस परीक्षा में बैटिंग में भी हैं। यदि पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है तो सर कुछ लोगों को बैटिंग वालों को भी 5-10-20 हज़ार लोगों को मौका मिलेगा इस प्रक्रिया में चयन होने का। सीहोर से राहुल मालवीय की रिपोर्ट।